हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता क्रिएशन एंड ब्लॉग। तो सावन की पहली सोमवारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ करे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, पूरा हो, और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पहला सोमवारी व्रत है तो आज मैंने व्रत रखा है और सुबह का सारा काम हो गया है। बच्चे को तैयार वार करके मैंने स्कूल भेज दिया है। खाना वगैरह, सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो बन करके रेडी हो गया है। ये देखिए, आज मैंने इसके लिए जो है छोले भटूरे बना के दिए हैं टिफ़िन में, और घर के इनके हस्बैंड के लिए भी वही बना दिया है, तो लेके चले गए हैं सभी। अभी बस मेरा झाड़ू पोछा बचा हुआ है, तो झाड़ू पोछा कर लूँगी, फिर नहा धोवा के रेडी होकर के मंदिर जाऊँगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से काम शुरू कर दे। टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। ये देखिए 7:35 हो रहा है और मैं जा रही हूँ अभी झाड़ू पोछा करने। किचन वगैरह भी साफ कर लूँगी नहा धोवा के। मिलती हूँ आपसे सीधे थोड़ी देर के बाद। सारा काम निपटाने के बाद फाइनली मैंने नहा लिया, और नहाने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, तो ये भी बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी करो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद घर में भी पूजा कर दूँगी, क्योंकि बाहर कहीं पूजा करने जाते हैं ना कभी भी, तो घर में जो भी माता रानी है, जिस भी भगवान को आप पूजा करते हैं, घर में भी पूजा करके ही बाहर पूजा करने जाना चाहिए। तो तैयार वार हो गई हूँ, उसके बाद जो घर में माता रानी को मैंने रखा है और बाकी सारे भगवान भी हैं, इन सारों को मैंने तो हस्बैंड जो है पतिदेव है जो पूजा कर लिए हैं, और मैं भी यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि कभी भी घर से बाहर पूजा करने जाएँ तो पहले घर में पूजा कर ले, उसके बाद ही बाहर के भगवान को पूजा करने जाएँ। इसीलिए मैं घर में पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी की तैयारियाँ करके फिर चलते हैं मंदिर। लिया है और उसके बाद ये देखिए मंदिर जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। अभी जाती हूँ सीधे मंदिर, और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:45 बज गए, मतलब 8:45 हो गए हैं, और मैं जा रही हूँ मंदिर, पूरा रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, साड़ी मैंने इसलिए नहीं पहना कि थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ ना, तो ब्लाउज का प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से साड़ी नहीं, बहुत कम पहनती हूँ, तो सूट ही पहन लिया है। तो चलिए चलते हैं मंदिर और पूजा वूजा करते हैं, कोशिश करूँगी वीडियो शूट करने की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मंदिर पहुँच गए हैं हम लोग, मंदिर पहुँच गए हैं और बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद ये देखिए तो चलिए पूजा वगैरह करते हैं। और नीचे भी मंदिर नीचे भी बन गया है, अभी नीचे बन रहा है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। पास में ही मंदिर है, बस 5 मिनट लगता है जाने में। तो फाइनली हम मंदिर में पहुंच गए हैं, और इस मंदिर की सबसे खास बात पता है क्या, यहाँ के जो पंडित जी हैं ना वो पूजा बहुत अच्छा करवाते हैं। जब आप मंदिर में इस मंदिर में पूजा करने जाओगे ना, जो भी विशाखापट्टनम में रहते हैं उनके लिए कह रही हूँ पर्सनली, इस मंदिर में जाओगे ना पूजा करने, तो जब पूजा आपकी थाली में लेकर के पंडित जी पूजा करने जाएंगे तो मन को बहुत सुकून और शांति मिल जाती है। बहुत जगह यहाँ पे मैंने देखा है कि पूजा ढंग से करते नहीं है प्रसाद देने के बाद भी, तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से पूजा करवाते हैं तो मन को शांति मिल जाती है। पूजा वगैरह हो गया है, अब हम घर जा रहे हैं, और बारिश तेज हो गई है, ये देखिए।
फाइनली अभी मैं घर आ गई हूँ पूजा वूजा करके, और अभी जाऊँगी थोड़ा सा बाल सुखाऊँगी क्योंकि गीली है और ज़्यादा गीली रहेगी तो हेडेक होता है मुझे, तो बाल को थोड़ा सुखाऊँगी। उससे पहले मैं प्रसादी आ गई हूँ मैं मंदिर से, और प्रसाद यहाँ पे मैंने रख दिया है, और उसके बाद पतिदेव आ रहे हैं स्कूटी लगा करके, बच्चे बच्चे हैं साथ खाते हैं, उसके बाद थोड़ा पानी वानी पीऊँगी क्योंकि आज मंडे है, सावन का पहला सोमवारी मैंने किया है और काफ़ी अच्छे से पूजा हो गई थी उस मंदिर में ना। वो जो पंडित जी हैं ना बहुत अच्छे से पूजा करवाते हैं, मतलब पूजा करते हुए देख करके ना खुद में मन में शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से पूजा करवाते हैं वो। तो मैं इधर पहले भी इधर थी तो मैं उसी मंदिर में जाती थी, और अभी आ गई तो उसी मंदिर में जा रही हूँ, पास पड़ता है। और चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पहला सोमवारी का जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बम बम भोले कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाकी इसकी जो आगे की वीडियो है वो कल की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को फाइनली मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को फाइनली हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि मेरा ब्लॉग, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फाइनली बाय बाय, और एक बार फिर से सावन की पहली सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और चलिए कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर कोई पहली बार मुझे देख रहा है तो कमेंट करिएगा बम बम भोले ओम नमः शिवाय, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फाइनली मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।